हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एम बैक विथ अनदर शॉपिंग हॉल एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को ऑर्डर किया है। लाइक इट इंक्लूड्स स्किन केयर, मेकअप, डेकोरेटिव आइटम्स, फैशन प्रोडक्ट्स। सो सारी डिफरेंट वेबसाइट से सारी चीज़ों को मैंने परचेज़ किया है। लाइक नायका से ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सो लेंसकार्ट। सो डिफरेंट सारी चीज़ों का मिक्सचर है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड and let's move on. And before proceeding, if you are new to my channel and haven't yet subscribed, तो subscribe ज़रूर कर दीजिए। Also subscribe के पास में एक छोटा सा bell button होगा, उसको आप ज़रूर hit कर दीजिए ताकि आपको हमेशा मेरे videos के notifications मिल जाएँ and you do not miss out my any other videos. Yeah, let's get started. Okay, so first product which I have purchased is a skincare kit, and as you all know that I always emphasize on skincare routine because makeup वगैरह जो भी मैंने apply किया होता है after filming any video और या फिर बाहर जाने के बाद भी anything like that, so मैं हमेशा prefer करती हूँ कि मेरे skincare routine को मैं अच्छे से follow करूँ and I like to try new products. So this time also I have purchased a new skincare kit which is from earlyherbs. So इनकी जो website है उसी से मैंने इन products को order किया था। Three products मैंने order किए थे। So one by one सारे products की हम लोग बात कर लेते हैं। So first of all talking about this face scrub. So ये जो scrub है ना, ये काफ़ी अच्छा है, skin को बहुत अच्छे से exfoliate कर लेता है and consistency की अगर हम बात करें तो thin है, but अगर quality की बात करें then it is really very nice. Dead skin जो होती है उसे बहुत अच्छे से remove कर देता है. I always make sure कि मैं 10 days में एक बार ही scrub करूँ या फिर maximum once in a week, उसके अलावा उससे ज़्यादा मैं कभी भी face scrub use नहीं करती हूँ. एंड अगर हम इसके ingredient list की बात करें then it contains walnut beads, tea tree oil, aloe vera, licorice extract, mulberry, neem, orange extract and lavender oil. So ये जो सारे ही ingredients हैं ना, ये हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial रहते हैं. And अगर हम इसकी quality की बात करें like according to skin type, then I think कि ये सारी skin type को suit कर जाएगा. So if you are in search of any good quality face scrub then you should definitely try this one. But yes, packaging wise traveling ke liye thoda sa I would say that they need to improve it, but price ki baat kare to bahut sahi hai, quality ki baat kare bahut sahi hai, it is suitable for everyone. Next product is again from earlyherbs only. As I told you ki maine skin care kit ko hi order kiya tha, so ye pehle serum ki baat kar lete hain. So this is niacinamide face serum and isme it also has aloe vera, licorice, mulberry and brown sugar. So ये काफ़ी सही रहता है and अगर हम इसकी consistency की and absorption की and all वो सारी चीज़ें की बात करें तो ये बहुत quickly हमारी skin में absorb हो जाता है and it keeps our skin hydrated and moisturized. बहुत अच्छा है throughout the day. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी skin जो है वो काफ़ी मतलब hydrated feel करेगी and the thing is कि skin का जो texture है इसको अगर आप यूज़ करेंगे ना थोड़े टाइम पे, यू विल डेफिनेटली सी इट्स बेनिफिट्स. इट इज़ पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, नो सिंथेटिक कलर, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, अल्कोहल फ्री, सिलिकॉन ऑयल फ्री, नो टॉक्सिक केमिकल्स एंड नो मिनरल ऑयल. तो ये सारे इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं. इसमें आपको किसी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो रहती है ना वो नहीं है, सो इट इज़ अगेन अ प्लस. द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट इज़ दिस वन एंड ये जो है इट इज़ विटामिन सी नाइट जेल. सो ये मुझे सबसे ज़्यादा मतलब तीनों ही प्रोडक्ट्स में बेस्ट वन जो है वो मुझे ये लगा है. काफ़ी अच्छा है, लाइक विटामिन सी नाइट जेल है. सो ये जो रहता है ना, ये हमारी डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं अगर किसी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, सो उसको ये बहुत हद तक लाइट कर देता है. इट्स रियली वेरी नाइस एंड इट इज़ एनरिच्ड विथ फ्लेक्सीड ऑयल जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. दिस इज़ ऑल्सो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, नो सिंथेटिक कलर्स, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, नो मिनरल ऑयल, नो टॉक्सिक केमिकल्स, इट इज़ अल्कोहल फ्री एंड सिलिकन ऑयल फ्री.
तो ये सारे अगेन इसके प्लस पॉइंट्स हो गए। तो किसी तरह की डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, सो उन सारी चीज़ों को ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल मेक योर स्किन लाइक इट विल गिव यू अ इवन स्किन टोन, सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव परचेज्ड इज अ ट्रे, एंड इसको मैंने ऑर्डर किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो दिस इज़ द ट्रे, एंड वुडन ट्रे है, एंड ये वाली जो ट्रे है ना, इट वॉज नॉट अवेलेबल ऑन एनी अदर वेबसाइट। सो मुझे ये जो इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि नहीं, मेरे को यही परचेज करनी है। सो इस वुडन ट्रे के अलावा, इस डिज़ाइन के अलावा भी काफ़ी सारी जो डिफरेंट ट्रेज हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इवन लाइक अमेजोन पे और सारी साइट्स पे मिल जाएंगी। बट पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ एनी स्टाइलिश वुडन ट्रे, देन आई वुड से यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स विच आई हैव परचेज आर फ्रॉम नायका। सो नायका पे भी उसमें कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, सो आई हैव परचेज टू मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका। सो फर्स्ट वन इज़ लिपस्टिक, सो इट इज़ दिस वन, एंड रेने फैब फाइव न्यूड लिपस्टिक है, एंड इसमें फाइव डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं एज यू ऑल नो। सो इसका एक्चुअली मैंने पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, एंड इट इज़ अबाउट टू फिनिश, सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने इसको परचेज कर लिया है। इसके स्वॉचेस जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने उस YouTube शॉर्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारे इसके जो स्वॉचेस हैं वो मिल जाएंगे, काफ़ी सही है। लाइक आई थिंक डेली रूटीन में हम लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स अप्लाई करना प्रेफर नहीं करते हैं, सो जस्ट इन केस इफ़ यू लाइक टू अप्लाई एनी कोरल शेड्स और न्यूड शेड्स, सो इन दैट केस आपको इस रेने फैब फाइव न्यूड लिपस्टिक को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको फाइव डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं, एंड इट्स ईजी टू कैरी इवन इन आर हैंड बैग, सो इट इज़ अगेन अ प्लस। नेक्स्ट थिंग जो मैंने परचेज की है, इट इज़ मेकअप फिक्सर, एंड इट इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड बस सिंपल लाइक मेकअप सेटिंग स्प्रे जो रहता है, सो उसी तरह से है ये। सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ एनी अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर, देन यू शुड ट्राई दिस वन, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी जो है वो भी इसकी सही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो उसको मैंने परचेज किया है फ्रॉम अमेजोन। सो इट इज़ दिस स्लिंग बैग, सो ये जो स्लिंग बैग है इसमें भी काफ़ी सही साथ मतलब डिस्काउंट चल रहा था, सो ये जो सारी चीज़ें जो है ना उसमें कुछ ना कुछ सारी चीज़ों पे डिस्काउंट चल रहा था, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैंने थोड़ा सा सारी डिफरेंट चीज़ों को परचेस किया, एंड देन आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लाइक आई जस्ट लाइक टू शो यू ऑल प्रोडक्ट्स जो मैं परचेज करती हूँ। सो या दिस इज़ द स्लिंग बैग, क्रीम कलर का है, क्रीम बेज सॉर्ट ऑफ, एंड इसमें हमको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। क्वालिटी जो है इसकी, जो फिनिशिंग है, इट इज़ रियली वेरी नाइस। लॉक एंड अनलॉक वाला ऑप्शन है, एंड अगर हम इसके अंदर स्पेस की बात करें, काफ़ी स्पेशियस है, कंपार्टमेंट इसमें हमें दो मिलते हैं, सो दिस वन इज द मेन कंपार्टमेंट, एंड इसमें हमको एक ये थोड़ा सा छोटा वाला जो पॉकेट रहता है कंपार्टमेंट वो भी मिल जाता है, तो वो चीज़ सही लगती है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा मेरे को ये ज़रूर लगा कि उसमें जो सेकंड जो कंपार्टमेंट है छोटा वाला, उसमें अगर जिप होती ना तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स रियली वेरी नाइस। क्विल्ट वाला जो रहता है वो इक्विडिस्टेंट तो है ही, बट उसकी जो फिनिशिंग है, जो स्टिचिंग है, वो बहुत सही है, एंड बिल्कुल भी फ्लिम्सी सॉर्ट ऑफ बैग नहीं है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस स्लिंग बैग। And last thing which I have purchased is sunglass, and it is from Vincent Chase. So ये मैंने purchase किए हैं from Lenskart, and ये वाले sunglasses हैं, and as you all know that I just love pink color, so because of that मैंने इस sunglass को purchase किया है। So quality जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, stylish लगते हैं, and या उसमें भी हमें काफ़ी सारी डिफरेंट जो है लेंसकार्ट के अंदर हमें बहुत सारी वाइड रेंज मिल जाती है, सो इट्स एक्चुअली अगेन अ प्लस, लाइक घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाती है।
So yeah, these are the products which I have purchased, and do let me know in comment section ki aapko in sabhi products mein se kaun sa product sabse zyada pasand aaya, and I hope you enjoyed watching this video. If you did, then don't forget to drop a like, do share this video with your friends and family. Channel ko subscribe nahi kiya hai to subscribe zarur kar dijiye. I shall see you soon in my next video. Until then, stay happy, stay positive, and do take care of yourself. Bye.